अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निशीज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डलगोना कॉफ़ी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और पीने में बहुत ही टेस्टी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 टेबलस्पून कॉफ़ी, 3 टेबलस्पून के करीब शक्कर, 2 टेबलस्पून पानी और 1 ग्लास मिल्क। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए निशीज किचन को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, अब इसमें ऐड कर लिए 2 टेबलस्पून के करीब कॉफ़ी, साथ ही ऐड कर लिए 3 टेबलस्पून के करीब शक्कर, यहीं पे ऐड कर लिए 2 टेबलस्पून पानी, अब हमें 10 से 12 मिनट तक सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह फेंट लेना है, जब तक कि इसका कलर लाइट ना हो जाए। मैं यहाँ पे विस्कर की मदद से बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो फिर आप उसकी मदद से भी इसे बीट कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं तो फिर आप इसे स्पून की मदद से बीट कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर लाइट हो चुका है और ये कुछ इस तरह दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ये हो चुकी है। तो चलिए अब हम कॉफ़ी बनाना शुरू करते हैं। अब 1 ग्लास में ऐड कर ले दूध, ये नॉर्मल है, इसे गर्म नहीं किया है मैंने। अब इसके ऊपर ऐड कर ले बीट की हुई कॉफ़ी। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर ले, कुछ इस तरह से। मज़ेदार सी डलगोना कॉफ़ी बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।